आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सके यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% का मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है।